गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की बुक से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं। तो चलिए अब हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली योजना क्या है? नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अब हम आते हैं दूसरे योजना पे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ जो था वो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना। ठीक है, इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितने खाते खोले जा चुके हैं? 38.18 करोड़ खाते 26 फरवरी 2020 तक। तो पहला क्या था? नमामि गंगे योजना था, जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। और दूसरा योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलवाना। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब इससे लाभ क्या है? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसके अंतर्गत करवाया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कराया गया। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ है वो 25 सितंबर 2014 को किया गया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब हम आते हैं अगली योजना की तरफ, जिसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का जो शुभारंभ है वह 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ है वह 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य जो है वह प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारा क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो चलिए अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान, जिसका कि शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, जिसमें कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान का जो शुभारंभ है वो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, जिसमें कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी है, के लिए टीकाकरण होगा। अब हम आते हैं अपने एक नई योजना की तरफ, जिसका नाम है पहल योजना। तो पहल योजना का जो शुभारंभ है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना।
तो पहल योजना का जो शुभारंभ है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह जो पहल योजना है यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। पहल योजना को हम लोग DBTL कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। अब हम आते हैं हृदय योजना पे। तो हृदय योजना का जो शुभारंभ है वह 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। हृदय का जो फुल फॉर्म होता है वह हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना है। इसका उद्देश्य जो है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। तो अब हम आते हैं हृदय योजना की तरफ, जिसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और हृदय का जो फुल फॉर्म है वह हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना है। और इसका उद्देश्य जो है वह देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अब हमारा दूसरा योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुभारंभ है वह 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुभारंभ है वह 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जिसमें कि 3 प्रकार है ऋण के, शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 5,000 रुपये उपलब्ध कराना है और किशोर के तहत 5,00,000 रुपये तथा तरुण के तहत 10,00,000 रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुभारंभ है वो 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें 3 प्रकार के ऋण मिलते हैं, जिनमें कि शिशु किशोर तथा तरुण 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5,00,000 रुपये तथा तरुण के तहत 10,00,000 रुपये तक के लोन जो है वो देने का प्रावधान है। अब हम आते हैं अपने दूसरी योजना की तरफ, जिसका नाम है उजाला योजना। तो उजाला योजना का जो शुभारम्भ है वह 1 मई 2015 को किया गया। उजाला योजना का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। और उजाला योजना का उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए लेड बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, बिजली की खपत को कम करने के लिए लेड बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। तो उजाला योजना का जो शुभारंभ है वह 1 मई 2015 को किया गया। उजाला योजना का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल है। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए लेड बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। अब हम आते हैं अपनी दूसरी योजना की तरफ, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ है वह 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन
प्राप्त कर सकता है। तो अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ है वह 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और हम देखते हैं एक नया योजना जिसका नाम है अमृत योजना। तो अमृत योजना का जो शुभारंभ है वह 24 जून 2015 को किया गया। अमृत योजना का जो फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना का जो फुल फॉर्म है वो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो अमृत योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अमृत योजना का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अब हम आते हैं अपने अगले योजना की तरफ जिसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन का जो शुभारंभ है वह 25 जून 2015 को किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। किसकी सहयोग से? तो सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ है वह 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अब हम आते हैं अपने अगली योजना की तरफ जिसका नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। इस प्रकार हमारा आज का ये केंद्र सरकार की योजनाएं यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।